वेलकम एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं WPL की एक बिग न्यूज़ निकल के आ रही है। आप लोगों को ऐसा मालूम होगा, अगर आप लोग RCB के फैन हो तो आप लोग जरूर से खुश होने वाले हो इस गुड न्यूज़ को सुनने के बाद। आप लोग ऐसा मालूम होगा कि यूपी वॉरियर्स जो कि आप लोगों को देखने को मिला था कि शबनम इस्माइल मतलब देखा जाए साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग जो मतलब लीड करती है उन्हें रिलीज कर सकती है। आप लोग ऐसा मालूम होगा कि WPL में उनकी जगह यूपी वॉरियर्स की टीम में बन नहीं रही थी, क्योंकि आप लोग ऐसा मालूम होगा कि ग्रेस हैरिस ने अच्छी खासी एक दो इनिंग ऐसी खेल कि मतलब आप ग्रेस हैरिस को बाहर रख नहीं सकते थे और शबनम इस्माइल की एक दो मैच बहुत ही अच्छी तरीके से पिटाई हो चुकी थी। मतलब देखा जाए क्योंकि उनके पास इतनी ज़्यादा पेस है कि कोई भी अगर एक देखा जाए अच्छा एक्सपीरियंस बैट्समैन आता है, जैसा कि आप लोगों को हरमनप्रीत कौर देखने को मिलती है या फिर स्मृति मंदाना, सोफी डिवाइन, कोई भी अलग एक्सपीरियंस बैट्समैन आप लोगों को देखने को मिलता है। डोमेस्टिक गर्ल्स उनकी बॉलें नहीं फेस कर पाती हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस बैट्समैन जरूर कर लेगा। लेकिन आप लोग से मानो फिर भी वो उन्हें रिलीज कर सकते हैं क्योंकि उन्हें अपना बजट फ्री करना है और एक ओवरसीज स्लॉट। वहीं पर आरसीबी पास ये एडवांटेज है कि वो जरूर से उन्हें टारगेट कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि डैन वेडनेकर जो कि साउथ अफ्रीका की एक देखा जाए तो कैप्टन रह चुके हैं, वहीं पे एरन वन जो ऑस्ट्रेलिया की एक प्लेयर रह चुके हैं, इन दोनों को रिलीज कर सकता है। तो मेरे हिसाब से शबनम इस्माइल की बिल्कुल जगह बन सकती है RCB में, क्योंकि आप लोगों को मालूम है RCB का फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के पास फास्ट बॉलिंग की बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। आप लोगों को कौन कौन देखने को मिलेगा फास्ट बॉलिंग, जो कि प्लेइंग 11 में आप लोगों को सोफी डिवाइन देखने को मिलेंगी, एलिस पेरी देखने को मिलेंगी, आपको रेणुका सिंह ठाकुर देखने को मिलेगी और शबनम इस्माइल भी आपकी टीम में आती है। तो चार जनरली फास्ट बॉलिंग आप लोगों के पास ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो मतलब बहुत ही अच्छा पेस अटैक हो जाएगा। वहीं पे स्पिन बॉलिंग भी बहुत ही अच्छी आप लोगों के पास डोमेस्टिक प्लेयर हैं कुछ, और हैदर नाइट भी अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग कर लेती हैं। वहीं पर श्रियंका पाटिल भी आपके पास हैं, तो आप लोग अच्छी खासी स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हो और चार जनरली आपके पास फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन रहेंगे। तो मेरे हिसाब से किसी भी टीम को किसी भी दिन मतलब अच्छे खासे लो मार्जिन पर ऑल आउट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से शबनम इस्माइल को जरूर से टारगेट करने के बारे में सोचेगी RCB WPL ऑक्शन में, तो मैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कोई और भी WPL से न्यूज़ निकल के आती है तो मैं आपको जरूर से बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।